गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना फ्रिज टूर और साथ ही आपके साथ ये भी शेयर करूंगी किस तरह से हम हमारे फ्रिज को क्लीन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इससे आपको भी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ स्टे विथ अस फॉर दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड। फ्रिज को हम इस तरह साबुन से धोते हैं और फिर उसे गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं तो उस तरह से जो फ्रिज है वो क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप उसे क्लीन करोगे तो जो कुछ भी दाग वगैरह होगे वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि फ्रिज मेरा अंदर से वाइट कलर में है तो दाग वगैरह रहते हैं। उसे इस तरह से हम पीरियोडिकली बेसिस पे क्लीन करते हैं। और ये जो फ्रिज का सामान है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर मेरे काउंटर टॉप पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ मुझे अब ऑर्गेनाइज करना है। बट कितना सामान मैं फ्रिज में रखती हूँ उससे आपको ये सब देखने से आइडिया मिल जाएगी। तो मेरा काउंटर टॉप, मेरा डाइनिंग, सब कुछ फ्रिज के सामान से भरा हुआ है। और हॉल में अगर आप देखोगे इस तरह से तो ये जो कुछ भी फ्रिज के अंदर के बर्तन वगैरह है, ये जो कुछ भी ट्रॉलीज़ वगैरह फ्रिज में रखी होती है, ये सब कुछ हमने साबुन से धोकर यहाँ पर रखे हैं हॉल में फ़ैन के नीचे सूखने के लिए। तो ये जल्दी से जब सूख जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे तो इसे हम अंदर लगा देंगे और इस पर सामान को जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और देखिए ये फ्रिज मेरा क्लीन हो गया है कम्प्लीटली और इसे मैं अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये फ्रिज मैट्स है, इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये आप भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा होता है और आपके जो ग्लास पेन होगा उस पर कोई भी दाग वगैरह नहीं रहेंगे और फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा भी लगता है इससे। तो ये वॉश करने के बाद और क्लीन करने के बाद फ्रिज का कुछ इस तरह से लुक है। हेलो फ्रेंड्स, और अब मैं आपके साथ पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो शेयर कर रही हूँ। पार्ट टू यानी मेरा फ्रिज टूर वीडियो। इससे पहले पार्ट वन में मैंने आपको बताया किस तरह से मैं फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ, पर ये ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरा फ्रिज कैसा दिखता है ये अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो मेरा ये फ्रिज डबल डोर किचन में है, बट किस साइड है इसके लिए आपको मेरा किचन टूर वीडियो चेक करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ये डबल डोर फ्रिज मैंने यही के एक शॉप से परचेज़ किया था और ये LG कंपनी का है। इसे यूज़ किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ऊपर ये जो है फ्रीज़र है और फ्रीज़र का कुछ इस तरह से लुक है, इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया है। ये स्टील का जो डब्बा देख रहे हो आप, ये मलाई का है और ये हनी। यहाँ पे मैं कुछ नारियल, कच्चे नारियल को रखती हूँ और ये बास्केट में कुछ जो एक्सेस ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसे रखती हूँ मैं। और ये आइस ट्रे है और ये जो आप देख रहे हो शेल्फ़ टाइप पे, यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं नीचे और दोनों तरफ जो है वो ड्राई फ्रूट्स है रखे हुए। और जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स एक्सेस होते हैं वो मैं बास्केट में रखती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये इलायची है, ये ब्लैक कलर के किशमिश है यहाँ पर, और ये चारोली टाइप है, काजू, बादाम, मनुखे, ये सब कुछ यहाँ पर रखे होते हैं। और इस तरह से इसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रीज़र में। ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं रखते हैं, ऑलमोस्ट यही सब सामान होता है और ये इस तरह से इसका लुक यहाँ पे है। फ्रीज़र के नीचे ये जो है ये रेगुलर यूज़ करने के लिए फ्रिज है और फ्रिज का कुछ इस तरह से लुक है। फ्रिज को मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन में बताया था मैं फ्रिज मैट यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, ये ट्रे में जस्ट बटर है और कुछ नींबू जो रेगुलर यूज़ करते हैं, लेमन जो डेली यूज़ में आता है वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये कैर सांगरिया की सब्ज़ी है। जो राजस्थानी लोग होंगे या जो मारवाड़ी होंगे उनको ये सब्ज़ी पता रहेगी, तो ये वहाँ की फेमस सब्ज़ी है और ये हम लोग भी बहुत खाते हैं। और ये बाहर रखने पर ख़राब होती है, पर फ्रिज में आप स्टोर करोगे तो आप साल तक उसको यूज़ कर सकते हो, 4-5 साल तक वो ख़राब नहीं होगी। और नीचे मैं यहाँ पर इस तरह से दूध रखती हूँ, मिल्क
मेरा स्टोर कर कर मैं यहाँ पर रखती हूँ दोनों इसमें, और पीछे ये जो पिंक डिब्बा दिख रहा है आपको, इसमें दही रखा हुआ होता है स्टोर कर कर। दही अगर आप टप्परवेयर में या सिरामिक के डब्बों में रखोगे तो बहुत अच्छा होता है। दही हम घर पर ही बनाते हैं। और ये जो है यहाँ पे इस तरह के टप्परवेयर के, इसमें मैं अदरक को रखती हूँ स्टोर कर कर। और ये जो देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ ताकि ये ख़राब नहीं होता है। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से मैं टिश्यू रखती हूँ और इस तरह से अदरक को जो है वो स्टोर करती हूँ। ये जो आप इस तरह के डब्बे देख रहे हो, इसमें कभी कुछ जैसे हरा धनिया है या हरी मिर्च है, तो ये जो सब सामान होता है वो मैं इस तरह से इसमें टिश्यू के यूज़ से ही रखती हूँ, क्योंकि टिश्यू जो होता है उससे सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है और आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। तो ये ज़्यादा दिनों तक आप यूज़ कर सकते हो। और इसे टप्परवेयर में मैं इस तरह रखती हूँ। और ये बीच में के शेल्फ पे जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो यहाँ पर रखते हैं, पर फ़िलहाल ये खाली है क्योंकि अभी फ्रिज क्लीन किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये जो ब्लैंक है यहाँ पे सारा जो है खड़े मसाले वगैरह जैसा सामान रखा होता है, जैसे ये तिल्ली है, ये यहाँ पर इस तरह से इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में मैं यूज़ करती हूँ, उसको स्टोर करती हूँ और यहाँ पर रखती हूँ। तिल्ली फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती और आप लॉन्ग टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सामान है पर अभी ऑर्गेनाइज कर कर रखा हुआ है, तो मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पे अजवाइन है रखा हुआ, यहाँ पे आपको दिखेगा दलिया रखा हुआ है, और ये जो येलो कलर का डिब्बा है ये मक्के का दलिया है यहाँ पे रखा हुआ। और ये जो बॉक्सेस है पीछे के, एक सेकेंड, ये बॉक्स में जो है मिर्ची रखी हुई है, लाल मिर्च वगैरह। और ये जो पीले डिब्बे आप देख रहे हैं स्क्वायर बॉक्स, इसमें भी लाल मिर्च रखी है, नीचे गोल लाल मिर्च है, ऊपर खड़ी लाल मिर्च जो अखी लाल मिर्च होती है वो होती है। और ये इस डब्बे में इमली है, इमली दाल वगैरह में डाल के यूज़ करते हैं। और ऊपर सूजी का डब्बा रखा हुआ है। ये जो है ये भी अजवाइन है, मतलब जो रेगुलर यूज़ होता है उसको हम बाहर रखते हैं आगे की साइड से, और जो कभी कभार होता है उसे पीछे स्टोर किया है। और ये आम को कच्चा जो आम है उसको सुखा कर रखा है, तो ये दाल वगैरह में डालने पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है ये। और ये इसमें यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। और ये यहाँ पर मेरा जो है तिल्ली का डब्बा, तो इस तरह का सामान जो होता है वो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये फ्रूट बास्केट है, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सारे फ्रूट्स रखे होते हैं, पर अभी फ्रूट्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये कड़ी पत्ते जो है इस तरह के बैग में डालकर स्टोर किया हुआ है, उसे रखा हुआ है। और ये जो है ये वेजिटेबल बास्केट है, यहाँ पर सभी जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको मैं यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स में यहाँ पर इस तरह से रखती हूँ। ये रिसाइकल बैग्स हैं, ये जिप पाउच बैग्स आती है, इसमें मैंने ये कैरेट रखा हुआ है। तो ये सब्ज़ी इसमें ख़राब नहीं होती और अच्छा भी दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है। टोमेटोज भी मैंने यहाँ पे इस तरह जिप पाउच में रखे हुए हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ सब्ज़ी जो होती है जो आप कभी यूज़ करते हो या थैली लगा नहीं सकते, तो उसको मैं यहाँ पर इस तरह से पिन लगा कर रखती हूँ। तो ये यहाँ पे लेमन है और ये बैंगन है, इस तरह जो कुछ भी सब्ज़ियाँ यहाँ पे लाई हुई है। अभी फ़िलहाल तो सब्ज़ी जब भी लाते हैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा स्टॉक में लाना पड़ता है, और फिर उसको मैं क्लीन कर ही सैनिटाइज कर प्रॉपरली रखती हूँ। मैं वेजिटेबल्स कैसे सैनिटाइज करती हूँ उसका भी वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हो। और मैंने जो फ्रिज का डोर है वो इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जो मेरा लास्ट शेल्फ है डोर का, यहाँ पर मैंने सारा मुरब्बा रखा हुआ है, आम का मुरब्बा की रेसिपी मैंने रिसेंटली डाली हुई थी, अगर आपने उसे नहीं चेक किया है तो आप उसे चेक कर सकते हो। और उसको मैं इस तरह के जो बेड़े करके जार आते हैं, ग्लास जार्स, उसमें स्टोर करती हूँ। ये अचार है और इन सबको मैंने एक छोटे से बास्केट में रखा हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइज भी दिखता है और क्लीन भी रहता है। और साइड में आप देख सकते हो यहाँ मैंने ग्राउंडनट का रखा हुआ है, ग्राउंडनट श्रृंगदाने जो बहुत लगते हैं कभी कभार। ये सूजी है यहाँ रखी हुई, और ये एक वापस मैंने बास्केट रखा है यहाँ पर। और ये आंवला है, कच्चे आंवले, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और किसान का टोमेटो सॉस यहाँ पे, और ये सोया सॉस, तो इस तरह के सॉस मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये रोज़
का जो सिरप है, रोज़ सिरप का जूस है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे जो कुछ भी मसाले वगैरह है, जैसे जीरानू मसाला है और इस तरह का जो मसाला होता है, चाट मसाला वगैरह, ये नारियल जो है, सूखे नारियल को कद्दूकस कर कर रखा हुआ है, ये बेकिंग सोडा यहाँ पर रखा है, ये आंवला है रखा हुआ, और ये जलजीरा है यहाँ पे रखा हुआ, और ये चाट मसाला। तो इस तरह का सामान मैं यहाँ रखती हूँ। ये कुछ पिंस जो होते हैं जो यूज़ में नहीं है, उसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं कभी कभार जो है लहसुन को इस तरह से रखती हूँ, निकाल कर इसको पील ऑफ कर कर जो है मैं इस तरह बॉक्स में स्टोर कर कर रखती हूँ, ताकि खाना बनाते वक्त ईजी हो जाता है लेना। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर शेंगदाने का जो है उसको पीस कर यहाँ पे रखा हुआ था। तो इस तरह का ये जो सामान होता है जो लगता है डेली बेसिस पे, उसको मैं इस तरह छोटे छोटे बॉक्स में स्टोर करती हूँ। और ये एक्सक्लूसिवली ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है। यहाँ मेरे सारे नेल पॉलिश का कलेक्शन आपको दिखेगा, जो मैं उसको इस तरह रखती हूँ। नेल पॉलिश अगर आप बाहर रखते हो तो वो सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, बट ये मेरे काफ़ी ईयर में मेरे हर ड्रेस पे मैच हो, इस तरह मैं नेल पॉलिश लेती हूँ। मुझे नेल पॉलिश का बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत अच्छे लगते हैं यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे उसको स्टोर कर कर रखती हूँ। और इस तरह से मेरा ये फ्रिज का कुछ लुक है, और मैंने अपनी फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मेरे यहाँ पे फ्रिज के ऊपर मैंने ये ग्रेप्स लगाए हैं, आर्टिफिशियल ग्रेप्स का फ्रूट है ये, और बहुत अच्छा और बहुत क्यूट और प्रेटी लगता है, मेरे फ्रिज को बहुत अच्छा लुक देता है। इसके अलावा मैंने कोई भी मैग्नेट्स फ्रिज पर नहीं लगाए हैं, बिकॉज वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह मैंने अपने फ्रिज को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और मेंटेन करती हूँ। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। सो इस तरह से मैं अपने फ्रिज को मेंटेन करती हूँ। तो वीडियो अगर किसी भी रीज़न से आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज़ डू कमेंट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।